नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्लब में। और ये है टाइम एंड वर्क का छठा वीडियो। मैं टाइप सिक्स के बारे में बताऊंगा और टाइप फाइव, पांच टाइप मैंने सॉल्व करा, जिस तरह एग्जाम में आते हैं, जिस तरह बुक में मिलते हैं, उसका मैंने सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से बता चुका है और बहुत ही सिमिलर है। आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब भी एक पैकेज में मैंने डाल दिया है, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइप बाई टाइप। आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट ओनली 20 रुपीज़ है, ओनली 20 रुपीज़ पेटीएम। अगर इसके बारे में आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, इस पैकेज को लेना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कीजिए फेसबुक पे। फेसबुक का जो पेज का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको कहाँ सेंड करना है, 20 रुपया कैसे भेजना है, कौन से नंबर भेजना है, तो पूरी जानकारी मैं उस पर दे दूंगा अगर आप मुझे मैसेज करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टाइप के बारे में। और ये है टाइप सिक्स। बहुत ही आसान टाइप है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो जैसे कि ये अगर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ए अगर इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आते भी हैं। तो आज का मैं इतना छोटा शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आप क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन लगाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है कि ए एक्स डेज में करता है, बी वाई डेज में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई। बस आपको मल्टीप्लाई करके वो दोनों को ऐड कर देना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों डेज है, दोनों डेज के रूप में रहेगा, तो यहाँ पे दोनों डेज के रूप में आपको लेना। तो इतना छोटा सा सिर्फ शॉर्टकट है, आप इसको याद रखिए। ये दोनों को अगर निकालना, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, बस इतना सा, कोई भी दिक्कत आपको। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आपको क्वेश्चन मिल गया होगा स्क्रीन। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन समाप्त करेंगे। बहुत ही जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है, ए कितने दिनों में काम कर सकता है, ए 20 दिनों में काम कर सकता है, बी 30 दिनों में काम कर सकता है, तो ए और प्लस बी दोनों दिनों में, दोनों कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो बस 20 × 30 / 20 + 30, ये अपने आप माइंड में भी कर सकते हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 50 आ गया, 5 से कट गया, और ये 5 से 4 कट गया, ये हो गया 12 days। आपने देखा कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका मैंने बता दिया। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। साथ में इसको भी नोट कर लीजिएगा कि एक्स क्या है और वाई क्या है, एक्स का डेज है, ये वाई का डेज है, तो इतने आसानी से सॉल्व हो गया, आप देख रहे होंगे। तो ये था टाइप सिक्स से रिलेटेड ही टाइप सेवन है, जो मैं अगले वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। तो आप देख रहे होंगे कितना आसानी से सॉल्व हो गया है। तो आप फिर से मैं बता देता हूँ, एक्स और वाई, एक्स का डेज है ए के लिए, वाई का डेज है बी के लिए, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ इस पे बेस्ड इस पे आ देना है कि 20, 30 और 20 + 30, ठीक है। सॉल्व किया 12 days आंसर। तो आप आज के बाद इस क्वेश्चन का आप कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन तुरंत देखकर बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी लोग को पता चल सके। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फुल्ली कोचिंग बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, कि आपको प्रैक्टिस भी करने के लिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन जो पैकेज में है, और आप आसानी से सीख भी पाएंगे। अगर उस पैकेज से आपको कोई दिक्कत होता है तो मुझे क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो स्पेशल बनाकर दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।